राम राम। साहब राम राम जी। यहाँ कह रहा हूँ, अब तो कोई हेल्प आ जाएगी कि अब भी न होगी दिल्ली से पलवल तक पला देंगे हमें। भाई दिल्ली से पलवल तक ऑटो कर जाना पड़ेगा आपको। कैसे जाना पड़ेगा? ऑटो, अब ऑटो या गाड़ी कुछ उतर जाना पड़ेगा आपको। अब बताओ जी, फिर आप यहाँ कहो कि हम पे कॉल कर देख लो, बताओ कि सरकार का हेल्प न कर रहे हो। आप उसी तक घर नहीं जा सकते, आपका टेस्ट होगा। अब हम घर भी चले जाएंगे, तभी किस पत पड़ जाएगी आप है? भाई आपका पुलिस केस होगा, पुलिस खाच लेते हैं। कोई बात ना, हम पुलिस केस करवा लेंगे, कोई दिक्कत ना। हमें सब सरकार हेल्प ही ना कर रही है, हम पुलिस केस में राजी हैं। ठीक है भाई, चले जाओ उसी तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, कहते हैं मेरा नाम इंद्रजीत है और मेरे पापा जी का नाम श्री सुखपाल सिंह है, पुलिस केस करवा दो आज ही। नहीं, आप अगर घर जाओगे ना तो घर वालों को साथ छोड़ो, दिन में खींच लेगा। मैं घर ना जाऊंगा, चाहे मैं कहीं जाकर मरू, मैं घर ना जाऊंगा और मैं सुसाइड लेटर लिखूंगा। सुनो जी, मेरी बात सुनो भाई। हाँ, आप अगर आप अपना मोबाइल कुछ बंद कर लेगो ना, यहाँ से हम आपका नंबर डीसी ऑफिस में ट्रेस के लिए भेज देंगे। ये कतई भेज दो, कतई भेज दो ट्रैकिंग के लिए। मैं परेशान है, लियो जो हमारी सरकारी हेल्प ना कर रही, तो बताओ ट्रेसिंग में भेजो, तुम कहीं भेजो। मैं कोई आतंकवादी हूँ क्या? आतंकवादी बात नहीं भाई, इसमें सुनो अपनी परिवार की, गांव की। मैं घर के घर जा ही नहीं रहा, मैं घर नहीं जा रहा, मैं जंगल में रह लूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। सुनो भाई। हाँ हेलो, मैं साहब के नंबर देता हूँ, आप एक बार उससे बात कर लो। ठीक है, बिल्कुल देव जी, साहब का नंबर दे। ठीक है, आप मध्य प्रदेश से आए हो? तमिलनाडु से? पहले बताओ क्या जी, कहाँ से आए हो आप? मैं चेन्नई से आया हूँ जी, मैं डेली आप कॉल कर रहे थे हमको कि आप भाई रोज आ रहे हैं। मैं साहब के नंबर दे रहा हूँ, एक बार आप उससे बात कर लो। ठीक है, ठीक है। साहब की पोस्ट क्या है जी? हेलो, राम राम जी। राम राम साहब, हम चेन्नई से आ रहे हैं, 5 बंदे। तो अभी धर्मेंद्र जी से भी बात हुई थी मेरी सुबह, तो मैंने उनको बोला था कि हमारी इतनी हेल्प कर दो आप, मतलब हम अभी 11:30 बजे के आसपास हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दिल्ली से पलवल तक तो हमको ले आओ। तो अभी उन्होंने बोला है कि मतलब साहब से बात कर लेना अभी, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया है सर, कुछ तो हेल्प करो सर हमारी। नहीं, हम जी 5 बंदे हैं जी। हम पलवल ही आएंगे जी, हम पहले हॉस्पिटल आना चाहते हैं ना, हमारा टेस्ट वेस्ट हो जाए, हम क्वारंटाइन हो जाए। अच्छा, तो हमारे पास नहीं है रुपए भी, हो हम तो जैसे तैसे बस कैसे कैसे आ गए, हमको पता है जी बस। अरे तुम रहने वाले पलवल के हो ना? हाँ जी, पलवल गए जी हम। हॉस्पिटल नहीं साहब, हम हमारी ट्रेन दिल्ली रुकेगी, हम वो पलवल नहीं रुकेगी। पलवल नहीं रुकेगी? हाँ जी, पलवल नहीं रुकेगी, वो स्पेशल चलाई है ना कोरोना वालों के लिए। तो अब आप ही देखो जी, कोई कार्रवाई हो जाए तो, क्योंकि हमारी हेल्प ना कभी भी हुई नहीं है, मतलब हम चेन्नई से भी डेली फोन करते थे कि हमको यहाँ से निकालो निकालो, एक दिन हेल्प नहीं हुई हमारी कोई भी। भैया अब तुम दिल्ली उतर के क्या जी? आपका नंबर नहीं, आपकी पलवल आगे का है क्या? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही किसी। अरे पलवल आकर के मेरे पास फोन कर देना। पलवल आकर के? हाँ सर, फिर हॉस्पिटल में? नहीं सर, फिर क्या फायदा, हमको दिल्ली से पलवल आना है ना, हमको ये वहाँ से तो पलवल से तो हम हॉस्पिटल खुद चले जाएंगे। दिल्ली से मैं थोड़ा समझा, आप नहीं लाओगे सर, कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा ना, सरकारी बंदे तो ला रहे हैं ना। अरे दिल्ली वाले इंतजाम करके भेजेंगे, पलवल से कोई नहीं जाएगा सर। वो आपका ई पास बन जाता है, वो मेडिकल टीम का ई पास बन जाता है, वो इजीली आपको ला सकते हैं, ऐसा प्रोसीजर है। जो मेडिकल टीम, मैं तेरे को दिल्ली से थोड़ा जाऊंगा। आप नहीं जाओगे, आप मेडिकल टीम को इत्तला कर दीजिए कि वो बंदा ऐसे ऐसे 5 बंदे आ रहे हैं पलवल के, और उनको यहाँ से एम्बुलेंस में ला दिया जाए। आप, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका काम भी नहीं है, ये काम है मेडिकल टीम का। हेलो, हाँ जी मैम, आप लोग तो कितने बजे तक आ जाओगे पलवल? मैम पलवल नहीं आ पाएंगे हमको वही बोल रहा हूँ मैं, हम पलवल दिल्ली से पलवल किस तरह आ पाएंगे, मतलब आप ना एम्बुलेंस का प्रोवाइड करा दीजिए हमारे लिए, तो हम वहाँ से इधर आ जाए। एक सेकंड होल्ड करो सतपाल जी।
सतपाल जी पांच लोग हैं जो चेन्नई से दिल्ली आए हैं पलवल के, और वो कह रहे हैं हम पलवल तक कैसे आए दिल्ली से। हाँ दिल्ली आ चुके हैं वो लोग। हाँ कैसे आएंगे वो फिर? वो कहते हैं आप एम्बुलेंस भेजो हमारे लिए। ऐसे एम्बुलेंस कैसे भेज दो उनके लिए? एम्बुलेंस भेज दो दिल्ली में कैसे? ठीक है। हेलो सर, इसके लिए जो है हमारी हेल्थ की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम लोग लेकर आएंगे आपको, आप खुद आइए पलवल। तो नाम क्या है आपका? क्यों नाम बताइए ना, आप जिम्मेदारी बोल रहे हो ना, हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप नाम बता दीजिए आपका। सर मैं तो यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ ना, मैं तो आप ड्यूटी कर रहे हो, आपका नाम तो होगा ना सर? लेकिन हदोरी है, मैं जब आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपका नाम पूछा मैम, प्लीज आपका नाम बता दीजिए। नहीं मैं ऐसे तो नाम नहीं बताऊंगी आपको अपना। ठीक है मैम ये कॉल। हाँ जी सर, इंद्रजीत बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं हमारे पांच बंदों की टीम है, हम चेन्नई से दिल्ली पहुँचने वाले हैं हम थोड़ी बहुत देर में। हाँ तो सर ऐसा कुछ प्रोवाइड करा दीजिए जो दिल्ली से पलवल तक हम आ जाएं इजीली। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर। आपका नाम क्या है सर? तरुण बात कर रहा हूँ जी मैं। ठीक है सर, तरुण जी।